सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कलमेश्वर परिसर में शादी का झांसा देकर युवती से जबरन बलात्कार। कलमेश्वर परिसर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। सोनिया नामक युवती यह कलमना परिसर में रहती है और वह ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसी परिसर में रहने वाले दुर्गा चंद चहांदे ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। कलमना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कलमेश्वर परिसर में सोनिया नामक युवती यह ब्यूटी पार्लर चलाती है। उसी के इलाके में रहने वाले दुर्गा चंदू चौहान नामक युवक से उसकी पहचान हुई। यह पहचान मित्रता में बदल गई। उसके बाद दोनों का मिलना शुरू हुआ। फोन पर बातचीत और मिलना शुरू होने के बाद यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों का मिलना बढ़ जाने के बाद दुर्गा चंदू चौहान नामक युवक युवती से शारीरिक संबंध बनाने की जिद करने लगा। वह युवती को कलमेश्वर के MIDC के पुरुषोत्तम अपार्टमेंट के एक लॉज में दोपहर 12 बजे उसे लेकर गया और शारीरिक संबंध बनाने की जिद करने लगा। युवती के इनकार करने पर उसने शादी का झांसा देकर युवती से जबरन दुष्कर्म किया। इसी के चलते उसने 2-3 बार युवती को वही लॉज में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शादी का झांसा देकर लगातार युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। जब युवती ने शादी के लिए उस पर दबाव डाला तो उसने शादी से इनकार कर दिया। युवती की शिकायत पर कलमेश्वर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।